हिमाचल प्रदेश के शिमला में बड़ा हादसा हुआ। यहाँ भारी बारिश के चलते भूस्खलन हो गया। भूस्खलन की चपेट में शिव मंदिर आ गया। ऐसे में सावन के सोमवार पर पूजा करने पहुंचे करीब 50 लोग मलबे में दब गए। 9 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि अन्य श्रद्धालुओं को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि शिमला के समर हिल इलाके में ये हादसा हुआ। यहाँ शिव मंदिर भूस्खलन की चपेट में आ गया। इसके चलते करीब 50 लोग मलबे में दब गए। पुलिस और प्रशासन द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट कर कहा कि शिमला में दुखद खबर सामने आई है, जहां भारी बारिश के कारण समर हिल में शिव मंदिर ढह गया। अब तक 9 शव निकाले जा चुके हैं। स्थानीय प्रशासन मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए, मलबे को हटाने के लिए तत्परता से काम कर रहा है। पहाड़ी राज्यों पर कुदरत का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है। दोनों पहाड़ी राज्यों में कुदरत कहर टूटा है। भारी बारिश से अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दोनों राज्यों में अलर्ट जारी है। जहां मंडी में ब्यास नदी उफान पर है, तो वहीं पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा की लहरें डरा रही हैं। भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। इसके चलते कई जगहों पर रास्ते बंद हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने आज यानी 14 अगस्त को प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इससे पहले हिमाचल के सोलन में बादल फट गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि सोलन के ममलीक के धायावला गांव में देर रात बादल फटा। बादल फटने के बाद पूरा गांव मलबे में पट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट।